चल मामा जाना छे मामा रेंड बुड गई चल ठीक है मैं ना ध्यान रख क्या पड़ मैं आज के यहां पे सुबह सुबह नोट मिल गया अरे है गरमा गरम ब्रेकफास्ट जा तो अभी के टाइम पे मैं रिंकी और रयाज पहुंच चुके हैं चौरखाल आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है ज्योति नेगी और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में खूबसूरत सलन गांव से। मॉर्निंग का टाइम है अभी 7:30 बज रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो चुकी है। और आज की मेरे इस नए ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है बुआ के घर से यानी सलन गांव से। तो अभी मैं सुबह सुबह रेडी हो चुकी हूँ और मेरी आज हो रही है वापस जाने की तैयारी। अपने अंशु भी तैयार हो गया है। ये देखिए आज के मौसम की बात करें इस साइड की तो सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे प्यारी सी धूप खिल चुकी है बहुत दिनों के बाद। आसमान में हल्के हल्के बादल के तिनके आ रखे हैं लेकिन मौसम क्लियर हो रखा है। सुहावनी सी धूप और ठंडी ठंडी हवाएं अभी के टाइम पे चल रही हैं। आज सुबह सुबह इन मंडवे के खेतों में खूब सारी ओस पड़ी हुई है तो इसलिए ये मंडवे के खेत खूब हरे भरे सुंदर से दिखाई दे रहे हैं। बाकी मामा जी यहाँ बैठकर मस्त से धूप सेक रहे हैं। तो चलिए जी निकलते हैं यहाँ से। बैग भी मैंने अपना बाखुर ले ना रे ए बाखुर तो चल मामा जाना छे मामा ध्यान बुड गई चल ठीक छे प्रणाम ध्यान रख क्या पड़ तू जान बैठ कर तो आज के यहाँ पे सुबह सुबह नोट मिल गया आज चल ठीक था जी हाँ ध्यान दे रहा पर स्वास्थ्य का शरीर का ध्यान धैर्य मैल वाले हैं मेरा ठीक है मैल वाले ध्यान में भी क्या कांता हैं चल 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 नाश्ता करेंगे चला सा। तो सुबह सुबह पहाड़ी किचन में पुष्पा रानी बना रही है गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट भी लगभग अभी बन के रेडी हो ही गया है। सामने डोर में खूब सारी रोटियां बन गई है और थोड़ी सी रोटी बनाने के लिए रह गई है। तो चलिए जी एक बारी में हम लोग फटाफट नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से हम जाने वाले हैं आज शेयरिंग टैक्सी में। यहाँ से मैक्स और बुलेरो जाती है, दो गाड़ियाँ जाती है वो भी टाइम की सुबह 8 बजे की। तो इसलिए हमें यहाँ से घर से जल्दी निकलना पड़ेगा और गाँव से ना चौरखाल आगे मार्केट है तो वहाँ जाने में ना आधा एक घंटा लग जाता है और बच्चों के साथ तो बड़ी दिक्कत होती है यहाँ रास्ते में चलते हुए और खासकर अयांश के साथ ये तो चलता ही नहीं है, है ना। तो चलिए जी टेस्टी सा नाश्ता भी कर लिया है और अब निकलते हैं घर से क्योंकि गाड़ी छोड़ने वाली है नहीं तो टाइम से जाना पड़ेगा नहीं है ना। और रिंकी भी जा रही है डांडा खींचानी घास लेने के लिए बांझ वाली। तो यहाँ की औरतें ना सुबह सुबह चले जाते हैं जंगल और अभी टाइम 7:30 बज रहे हैं और ये लोग ना जंगल से बांझ वाली घास लेके 2 बजे के आसपास आते हैं। मतलब इतनी सुबह सुबह जाना पड़ता है इन लोगों को जंगल। यहाँ का जंगल बहुत दूर है भाई, बहुत हार्ड वर्किंग है यहाँ की औरतें। तो यहाँ आंगन में पहाड़ी डॉगी देखिए मस्त होकर बैठा है। तो अभी के टाइम पे मैं रिंकी और रयाज पहुंच चुके हैं चौरखाल में यानी सलोन गांव की लोकल मार्केट में। यहाँ पर 5-6 दुकानें हैं और यहाँ पे ना छोटा मोटा सामान मिलता है और गांव के लोग सभी यहीं से सामान लेके जाते हैं। बाकी यहाँ से अब मुझे थ्रीशन जाने के लिए टैक्सी मिलेगी, मैक्स चलती है यहाँ से और उसका टाइम है मॉर्निंग के 8 बजे जाती है वो डेली। यहाँ से डेली सर्विस की टैक्सी है वो और अभी गाड़ी को आने में ना आधा घंटा और लगेगा तो हमें आधे घंटे तक यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। और रिंकी चली गई है जंगलों की ओर बांझ लेने के लिए क्योंकि अब वो इसलिए जल्दी गई क्योंकि उसके दोस्त चले गए थे
और जंगलों में ना एक साथ जाना पड़ता है सभी को, तो इसलिए वो निकल गई है। और फिलहाल मैं और अंशु यहीं पे टहल रहे हैं इस वाली रोड पे चौरखाल की। बाकी यहाँ से आसपास के नज़ारे अभी के टाइम पे काफ़ी मस्त दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे गांव इस साइड, बहुत मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में है ना। तो चलिए जी आपको भी दिखाते हैं, सामने के साइड से थोड़ा घूम फिर के भी आ जाते हैं यहाँ नीचे तरपाली साइड वाली रोड पे। बाकी ये वाला पूरा एरिया चौरखाल का है और यहाँ ऊपर ऊपर तक लोगों की देखिए डांडा की छानियाँ हैं। आजकल के टाइम पे यहाँ के लोगों के गाय भैंस और मवेशिया इन्हीं डांडा की छानियों में रहते हैं, क्योंकि आजकल गर्मियों का सीज़न भी है और इस सीज़न में ना गांव में घास पात मतलब चारे की कमी रहती है, तो चारा जंगलों से आजकल सभी लोग लेके आते हैं। और चारा ना इतनी दूर से लाते हैं तो लोगों ने देखिए मतलब नज़दीक पड़ने की वजह से ऐसे ऊपर ऊपर जंगलों में छानियाँ बना रखी है, मतलब गौशाला बना रखी है। कहीं कहीं गौशाला को मरोड़ा भी बोलते हैं और कहीं बोलते हैं खरक, तो हमारे साइड तो खरक बोलते हैं, साथ में डांडा की छानी भी बोलते हैं। अभी मैं एक प्यारी सी लोकेशन पे खड़ी हो रखी हूँ और यहाँ से मेरे ठीक पीछे सामने की पहाड़ी पे खूब सारे गाँव दिखाई पड़ रहे हैं जिनके नज़ारे अभी सुबह सुबह के टाइम पे कुछ ऐसे हैं। गांव के नाम तो मुझे पता नहीं है लेकिन देखिए काफ़ी घने और बड़े बड़े गांव है भाई पहाड़ियों में। एक सामने बहुत सारे गांव और सामने की जो पहाड़ियां हैं ना वो बड़ी खूबसूरत सी है भाई। और ठीक सामने लास्ट की पहाड़ियों से थोड़ा थोड़ा हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है। आजकल थोड़ी धुंध सी लगी हुई है इसलिए हिमालय की रेंज साफ नहीं दिखाई दे रही है। बाकी ये सामने वाला जंगल का जितना भी एरिया है ना पूरा सलोन गांव वालों का है भाई। वैसे तो ये जंगल का एरिया जंगलात में आता है लेकिन यहाँ के लोग ना जो ये बांझ वाली घास होती है ना इसे निकालने के लिए इतनी दूर दूर के जंगलों में जाते हैं। यहाँ की औरतें इतनी मेहनती और कर्मठ है ना, ऐसी औरतें पहाड़ में ही हो सकती है भाई। और जबकि मेरे मायके और ससुराल साइड इतना काम नहीं होता जितना काम इस गाँव में होता है। थोड़ी देर पहले मौसम क्लियर हो रखा था सुबह के टाइम पे और थोड़ा सा दिन बढ़ने के साथ साथ आसमान में चार और देखिए बादल लग गए हैं और बादलों के पीछे से धूप की किरणें सामने के साइड अभी मस्त सी दिखाई दे रही है। और घाटी में इतनी ज़्यादा हरियाली बढ़ गई है ना आजकल, इसका माहौल काफ़ी सुंदर सा हो रखा है। यहाँ मार्केट में हमें दो प्यारे प्यारे से खरगोश दिखाई दे, देखिए कितने फुदक रहे हैं अभी के टाइम पे। खरगोश बहुत ही क्यूट दिखते हैं भाई। क्या ढूंढ रहे हैं? देख खाना ढूंढ रहे, खाना ढूंढ रहे हैं। कहाँ फुदक रहे हो? अंश बड़ा खुश हो गया इनको देख के। और वो जो दूसरा वाला है ना वो बड़ा प्यारा सा है भाई। आधा घंटा इंतजार करने के बाद फाइनली हमें टैक्सी मिल गई है और अभी हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं। तो चलिए जी अपने सफ़र को करते हैं कंटिन्यू आगे और यहाँ से करीबन एक घंटा लगता है जाने में। तो लीजिए दोस्तों अभी के टाइम पे हम पहुँच चुके हैं थिलीसर में और टैक्सी वाले भैया ने हमें यहाँ टैक्सी स्टैंड में उतार दिया है। यहाँ से आगे नहीं ले जाते हैं भैया टैक्सी क्योंकि आगे ना टैक्सी स्टैंड है जहाँ पे मेन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है और नीचे से देखिए गिरी भी आ रही है अभी के टाइम पे। तो चलिए जी अब चलते हैं अपने रूम पे और आज बहुत ज़्यादा थकान जैसी लगी भाई। तो मार्केट में भी मैं आ गई हूँ, अभी रूम पे काफ़ी टाइम से हमने सब्जी नहीं रखी, तो चलिए जी अब यहाँ से सब्जी की दुकान से सब्जियाँ ले लेते हैं। तो चलिए जी सब्जी भी ले ली है, थोड़े बहुत फल फ्रूट भी ले लिया है, अब चलते हैं रूम पे। तो हमारा रूम मार्केट के बेहद ही पास है, मतलब दो कदम पे ही हमारा रूम है। और तूफान की वजह से देखिए हमारे कमरे की बगल वाली छत कैसे हो रखी है गंदी सी। और इस साइड के मौसम की बात करें तो मौसम तो थोड़ा बहुत क्लियर हो रखा है, धूप भी खिली हुई है हल्की गुनगुनी, बाकी आसमान में बादल भी खूब सारे लगे हुए हैं भाई और अभी के टाइम पे धूप बादलों के पीछे छुपी है। और जो हमारे मकान मालिक हैं उनकी वाइफ देखिए नीचे किचन गार्डन में मिर्च के पौधों में ना निराई गुड़ाई करिए, खूब सारा खरपतवार हो रखा है शायद बड़ा बड़ा, तो खरपतवार निकाल रहे हैं देखिए।
एक महीने बाद रूम पे आए हैं तो रूम में ना खूब सारी धूल जमी हुई है, तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ साफ सफाई कर लूँ, उसी के बाद आराम करेंगे और साथ में कुछ खाने के लिए भी बनाएंगे। तो रूम में आने के बाद मैंने साफ सफाई भी कर ली है, झाड़ू भी कर लिया है, पोछा भी कर लिया है और साथ में मैंने चेंज भी कर लिया है। और अभी ना मैंने बाथरूम में खूब सारे कपड़े सामने बाल्टी में रख दिए हैं, ये सारे कपड़े ना धोने के लिए हैं। अब ना पहले ये बैग खाली कर लेते हैं क्योंकि बुआ ने पता नहीं इस बैग में क्या क्या रखा है, तो चलिए देखते हैं क्या रखा। ये तो मैंने अभी के टाइम पर सब्जी ली थी, इसे पहले निकालते हैं बाहर। और ये मेरी चाची की लड़की ने दे रखा है बिस्किट का पैकेट, क्योंकि मेरी चाची की लड़की भी वहीं रहती है सलोन गांव में। और ये बुआ ने अयांश के लिए दे रखे हैं फल फ्रूट मैंगो, है ना, अयांश खुश हो गया। ये तो चार्जर है। और ये देखिए, ये बुआ ने दे रखा है इस बड़े से पॉलिथीन में सरसों। तो बुआ के ससुराल में सरसों बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं ना तड़के के लिए लेकर आ गई इतना सरसों। तो चलिए जी, ये भी बहुत अच्छा, थैंक यू बुआ जी के लिए, है ना, थैंक यू कर दे बुड्ढी को इसने अभी तक चेंज नहीं किया। और साथ ही साथ बुआ ने ये देखिए, ये हैं पहाड़ी अखरोट, अखरोट भी दे रखे हैं भाई। दीदी हो तो ऐसी हो जो खूब ख्याल रखे मेरा। बाकी ये मैं दो जोड़ी कपड़े ले गई थी अपने, और इसमें क्या होगा, और क्या क्या दे रखा है आज के लिए, आज के लिए तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी इसमें, मैगी बिस्कुट, मैगी तो मैं लाई, बाकी बिस्कुट अगर वगैरह दे रखे है ना। तो लीजिए, अभी के टाइम पे मैंने गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट भी बना के रेडी कर दिया है। आज के ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई है मैगी, वो भी 2 मिनट में बनने वाली, साथ में बना रखी है गर्मा गर्म चाय। तो चलिए जी, अब गर्मा गर्म मैगी और साथ में चाय पीने का आनंद ले लेते हैं अंशु के साथ, है ना। आज हम दोनों रूम पे अकेले हैं, कल से अंशिका सृष्टि और मम्मी भी आ जाएगी और फिर नेक्स्ट डे से स्कूल खुल जाएंगे, तो फिर बहुत सारा साथ हो जाएगा यंस के साथ, है ना। ये देखिए कैसे खा रहा है मैगी। तो चलिए जी, भूख जोरों से लगे है, अब ना सबर नहीं हो रहा है, तो फटाफट से एक बार नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग अभी तक आराम कर रहे थे और अभी टाइम हो गया है 11:30 बजे के आसपास, और मैंने सामने गैस पे अभी दाल भी चढ़ा दी है दिन के लंच के लिए, और साथ में चावल भी बनके रेडी हो गए हैं पतीली पे। तो दाल तो उबल चुकी है, दाल में मैं तड़का थोड़ी देर में लगाऊंगी। और मैंने कम से कम आधा घंटे पहले इस बाल्टी में ना कपड़े भिगोने डाल रखे थे। तो चलिए जी, अब जो मैंने कपड़े भिगोने डाल रखे हैं ना, सुबह से इन्हें धो लेते हैं। अभी के टाइम में पानी भी आ रहा है, साथ में देखिए लाइट भी आ गई है, तो हमारे बाथरूम में ना लाइट नहीं रहती ना तो अंधेरा हो जाता है, तो उससे कपड़े धोने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो अभी लाइट आ रही है तो फटाफट से ना एक बार में सारे कपड़े धो लेते हैं। तो अभी मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं, अभी इन कपड़ों को ले जाते हैं छत पे सुखाने के लिए। आज धूप तो है नहीं, बादल ही बादल लगे हुए हैं, लेकिन हवा चल रही है। तो चलिए जी, अभी सितार पे कपड़े सुखाने के लिए डाल देंगे सारे। धुले हुए सारे कपड़े हमने यहाँ पे तार में डाल दिए हैं सुखाने के लिए। कपड़े मैंने ज़्यादा धुले, आधे मैंने इस साइड में डाल रखे हैं। दिन बढ़ने के साथ साथ थिली सैंड का माहौल भी अभी गुम सुमसा हो गया है बहुत ज़्यादा। ऊपर कैरियर गांव की तरफ से देखिए पहाड़ियों पर आसमान में खूब काले काले बादल लग गया है, और अभी ना बादल इतनी ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं, मतलब बारिश आने की संभावना तो है, लेकिन आती नहीं आती, उसका कोई भरोसा नहीं। बाकी अब हो गया है लंच करने का टाइम, और टाइम भी 12:30 बजे के आसपास हो गया है। कपड़े धोने के बाद मैंने तुरंत दाल में तड़का लगा दिया था और दाल भी बनके रेडी हो गई है। साथ में मैंने इस थाली में काटा है प्याज और खीरे का सलाद। तो चलिए जी, अब गर्मा गर्म लंच कर लेते हैं। आज के दिन के खाने में मैंने बनाया है मसूर और अरहर की मिक्स दाल, साथ में बना रखे हैं चावल। और हम पहाड़ी लोग ना दिन के टाइम पे ज़्यादा चावल खाना पसंद करते हैं, तो आज हम दो ही लोग हैं, मतलब मैं और मेरा बेटा अयांश। तो चलेगी, इसलिए मैंने थोड़े से कम पका रखे हैं चावल। करो खाओ तो
अभी मैंने अपने लिए भी लंच की थाली परोस दी है, तो चलिए जी अब फटाफट से लंच करने का आनंद ले लेते हैं। शाम के करीबन अभी 6 बजने ही वाले हैं और मैं रियान अब बिना नहाना धोना किए हमने, और नहाने धोने के बाद हम अपने कमरे के बाहर जीने पे बैठे हुए हैं। हमने सोचा थोड़ा सा धूप सेक लेंगे, बालों को सुखा लेंगे, लेकिन हमारे बाहर आते ही पूरी फिनिशन मार्केट से ना धूप चली गई है। और अभी के टाइम पे हल्की फुल्की धूप कैन्योर बैंड की तरफ रह रखी है, बाकी सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे सुबह से लेकर अभी तक काले काले बादल लगे हुए हैं। नज़ारे तो शाम के टाइम के भी मस्त हो रखे हैं, लेकिन आज ना सुबह से लेकर अभी तक बारिश नहीं हुई। और आजकल ऐसे हो रहा है, कभी तेज़ बारिश हो रही है, कभी बारिश का नाम और निशानी नहीं हो रहा। बाकी कमरे पे आने के बाद हम थोड़ी देर सो गए थे। आज बहुत सारे काम किए सुबह से, साफ़ सफाई से लेकर खाना बनाना और कई चीज़ें हो जाती है, बर्तन भी धो लिए हैं। और नहीं, अभी बर्तन नहीं धोए, सॉरी, कपड़े धोए मैंने दोबारा से और अभी बर्तन धोने के लिए रह गए हैं। बाकी शाम की चाय भी अभी हम लोगों ने नहीं बनाया। अयांश को पूछती हूँ चाय पिएगा, चाय पियोगे आप? हैं, अयांश चाय का बड़ा शौकीन है, उसको चाय किसी टाइम भी दे दो पीने के लिए, वो कभी मना नहीं करता ना, है ना? क्यों, कैसी लगती है आपको चाय? गजब की, गजब की। बाकी जो मैंने सुबह के कपड़े धोए थे ना सामने वाली छत पे, हल्के फुल्के सूख गए हैं, और आज धूप इतनी तेज भी नहीं लगी रही, इस वजह से कपड़े पूरे तरह से अच्छे से नहीं सूखे हैं। कपड़ों को सूखने में कल तक का टाइम लग जाएगा। अभी हम लोग छत में बैठे हुए थे और यहाँ पर देखिए अंशोरों के प्रिंसिपल औरों का डॉगी छत पे आ गया है टहलने के लिए। ये इतने खतरनाक डॉगी हैं ना, इनको दिख के भी बड़ा डर लगता है, जब ये भौंकते हैं ना ऐसा लगता है अभी काट लेंगे हमें। बाकी अभी शाम के टाइम सामने की चौरी खाल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से सनसेट भी होने वाला है, और आज बादल लगे हुए हैं तो इसलिए सनसेट का माहौल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी खूब सारे लोग देखिए पार्क में आ रखे हैं बच्चों के साथ खेलने के लिए। शाम का टाइम है तो मेरे यहाँ से गर्मा गर्म चाय पीने का मन करा था, इसलिए मैंने फटाफट से फरेपान चूल्हे पर चढ़ाया, और अभी के टाइम पे चाय बनके रेडी होने ही वाली है। लीजिए हमारी चाय हो गई बनके तैयार, और अब थोड़ी थोड़ी चाय पी लेते हैं। चाय के साथ हम लोग बिस्किट भी खाने वाले हैं, तो चलिए अब इस गर्मा गर्म चाय पीने का आनंद इन सामने की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच ले लेते हैं। और अभी सामने के चौरी खाल की लास्ट वाली पहाड़ी से देखिए बारिश होना शुरू हो गया है। चाय पीने के बाद आप लोग थोड़ी देर बैठे रहे, और अभी मैं आई हूँ कपड़े निकालने के लिए। कपड़े तो सूखे नहीं, अभी गीले से लग रहे हैं, लेकिन मौसम गड़बड़ा रहा है, बारिश आने को हो रहा है, तो बारिश आएगी तो जो सूख भी रखे ना ये भी भीग जाएंगे, तो फटाफट कपड़ों को निकाल लेते हैं भैया। मेरी हेल्प अयांश कर रहा है, और हेल्प भी कैसे कर रहा है, जैसे गुस्से में कर रहा होगा। ये क्या हो रहा है अयांश? क्या हुआ? शाम का टाइम है तो टैक्सी स्टैंड के पास में जैसे जी भगवान का छोटा सा मंदिर है ना, तो वहाँ पे अभी मस्त कीर्तन भजन लगे हुए हैं। और अब देखिए घाटी में धीरे धीरे करके अंधेरा होने लग गया है, इसलिए दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल बने हैं तो चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत मोटिवेशन करता है, मतलब आगे वीडियो बनाने के लिए। चलिए जी मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय देव मुझे अखंड।